من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله العظيم. इन आयत मुबारका के बारे में गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने फजल से जुलैखा के नापाक अजाइम से अल्लाह ने महफूज रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे हैं जो तो उनका कुर्ता पीछे से फट गया। अब दरवाजे के पास अजीज़े मिसर मिले यानी जुलैखा के खाविद, उसने गुफ्तगू का अंदाज बदल लिया। पहले तो भाग रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे कि अपनी ख्वाहिश को पूरा कराने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कसूरवार ठहरा रही है। चुनाचे अजीज मिस्र से कहने लगी मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, के जो शख्स आपके घर वालों से बुराई करना चाहे उसका बदला यानी उसकी सजा या तो ये होगी कि उसको कैद में डाला जाए या अजाब, दर्दनाक अजाब दिया जाए, इसके सिवा तीसरी कोई सजा नहीं हो सकती। अब इस मौके पर जबकि वाज़े तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, इल्ज़ाम लगा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाज़े अपनी सफाई के लिए मौकफ पेश किया। फरमाया قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया इसी ने राबदतनी ख्वाहिश की मुझसे अन्नफ़सी के अपनी जी के मुतालिक के मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँ। इधर देखिए भी तवज्जो कीजिए, तवज्जो है ना जी सबकी। जी तो देखिएगा कि यहाँ पर अब मौका ऐसा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचा कर लाए हैं बाहर, उसके बावजूद फिर इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही के सर पे आ रहा था। तो इस मौके पर मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर जुलैखा पेश कदमी न करती यानी उल्टा इल्ज़ाम न लगाती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबराना शराफत की बिना पर कभी भी राज को फाश न करते, ऐब का इफ्शा न करते। ये भी अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को एक खास वसफ अता किया होता है कि उयूब पर पर्दा पोशी करना, पर्दा डालना। चुनाचे फरमाते हैं लेकिन जब अब वाज़े तौर पर और इल्जाम लगना शुरू हुआ तो इस मौके पर खामोश न रहे। चुनाचे हमारे लिए भी यही सबक है कि भाई अपनी कोशिश करें बचने की, राज
किसी के ऐब को छुपाने की, लेकिन अगर अपनी ही जान पे बनाए तो उस वक्त खामोश रहना ये दानिशमंदी नहीं। उस वक्त अपनी सफाई के लिए मुकम्मल कोशिश करना ताकि इज्जत के साथ जिंदगी बसर हो सके, ये जरूरी है। बात समझ में आ गई जी? इसलिए अपना वाज़े तौर पर हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम ने जो है मतलब अपनी बरात का वाज़े कर दिया कि हिया राबदतु अन नफ्सी, कि उसने जी हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम, बहरहाल अब जुलैखा कह रही है कि यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम ने बुराई का इरादा किया। यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम ने कहा कि इसने मुझे फिसलाया, अब मामला झगड़े का हो गया, ठीक है। अब जहां पे इख्तिलाफ आ जाए तो वहां पे गवाहों की जरूरत होती है, सुनाचे ताकि इस बारे में कोई फैसला किया जा सके। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम की बराअत के लिए गवाह गवाह पैदा फरमाया, बच्चा था। वह शहीद शाहिद मिन आलिहा, कि यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम के घर वालों में से एक ने गवाही दी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम के लिए उस बच्चे ने बतौर मोजज़े के गवाही, जैसे हजरत मरियम अलैहि सलातु वसलाम के लिए तो एक दिन के बच्चे ने गवाही दी, यानी ईसा अलैहि सलातु वसलाम ने, इसी तरह बनी इसराइल के एक शख्स थे जुरैज, उस पर तोहमत लगी थी, उसकी तोहमत को हटाने के लिए भी एक बच्चे ने गवाही दी। इसी तरह फिरौन की बांदी थी, उसकी छोटी बच्ची को भी अल्लाह ताला ने बचपने में गवाही देने का, यानी अल्लाह ताला ने मौका दिया। बहरहाल अब बच्चे ने गवाही तो दी, बच्चे का बोलना खुद एक मौजज़ा था, लेकिन गवाही देने का अंदाज भी ऐसा था कि कोई ये नहीं सोच सका कि इसमें इसकी सच्चाई में जर्रा बराबर भी शुबा हो सकता है। जी यानी इतना छोटा सा बच्चा इतनी ऐसी बात कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत। जब फसलियन लिखते हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह रुसवाई और जिल्लत से हिफाजत फरमाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की को भी जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखते हैं और ऐसे मौक़ों पर अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाते हैं। इस पर एक वाक्य याद आया, मैं आज कर देता हूँ। हजरत दारुल उलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहिमहुल्लाह का वाक्य आता है जी। फरमाते हैं कि हमारे असाज़ा ने सुनाया कि एक मौके पर बाद शर्प पसंद लोगों ने ये एक मुसखरे आदमी को, मुसखरा होता है जो मजाक उड़ाता रहता हो, उसको तैयार किया और कहा कि हम तुझे मैयत बनाकर जो है ना मतलब लेके जाएंगे, तूने क्या करना है
जब ये बुजुर्ग जनाजा पढ़ाने लगे तो तुमने खड़े हो जाना। मकसद क्या था कि उनका मजाक उड़ाना। चुनाचे वो शख्स तैयार हो गया, हजरत मौलाना कासिम ननौती रहिमहुल्लाह को जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया गया। तो अब हजरत चूंकि अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दीन का काम लिया कि जो अब मशरिक और मगरिब शुमार और जुनूब में दुनिया के तकरीबन बहुत से मवाक जो है ना दारुल उलूम देवबंद का ये फैज़ अल्लाह ताला के फजल से जारी है। तो ये उन्हीं के तवस्सुत से अल्लाह ने हिंदुस्तान में ये लिया। तो हजरत के बारे में आता है कि हजरत ने आगे जनाजा पढ़ाने अल्लाह ताला ने करामत के जरिए से अल्लाह ने वाजे कर दिया। चुनाचे फरमाते हैं कि हजरत ने तीन मरतबा पूछा लोगों से कि भाई जनाजा पढ़ा दूं, फिर पूछा कि भाई जनाजा पढ़ा दूं, फिर पूछा कि भाई जनाजा पढ़ा दूं, तो उन्होंने कहा जी हजरत पढ़ा दें। चुनाचे हजरत ने नीयत बांधी, तवज्जो कीजिए, हजरत ने नीयत बांधी। तो अब जब एक तकबीर हुई है तो अब वो पीछे से खांसने लगे कि बंदा उठे, तो कोई सब जो खांसे हैं जो, लेकिन वो नहीं उठ सका। तो जनाजा पढ़ाने के बाद हजरत ने फरमाया कि अब ये कयामत ही को उठेगा। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमाते हैं। हमारे उस्ताद साहिब हैं, बहुत हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह के खलीफा हैं, उस्ताद जी फरमाने लगे कि एक तालिब इलम ने बैठे हुए थे पढ़ाने के लिए, कहने लगे एक तालिब इलम थे बड़े जहीन, उनको कोई सजा दी तो जो मुतमिम साहब थे वो उस्ताद जी के भी उस्ताद थे, तो कहने लगे कि मैंने सजा दी तालिब इलम को, उसने जाकर शिकायत लगा दी मोहतमिम साहब को कि इन्होंने मुझे ये सज़ा दी है, और सज़ा भी बरक थी, यानी बेजा शिकायत लगाई जाती। तो मोहतमिम साहब ने, यानी उस्ताद जी उस्ताद थे, उन्होंने बुलाया, और जब उन्होंने बुलाया तो मुझे दुख हुआ। तो कहने लगे कि मुझे जो है अल्लाह ताला ने ऐसे बैठे हुए थे, फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने इस मसनद की लाज रखी। फरमाने लगे कि उस तालिब इल्म ने चूँकि तकलीफ़ पहुंचाई थी इसलिए वो जो है मतलब पढ़ नहीं सका। तो अल्लाह ताला, इसलिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की, इसलिए कि जी वल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूल वल्लज़ीन युज़ून अल्मुमिनीन वल्मुमिनात बिग़ैर मक्तसब फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। जी तो बात समझ में आ गई ना जी। तो इसलिए अब देखें, अब वो बच्चा पंगूड़े में था, वो ज़ुलैखा कभी भी नहीं सोच सकती थी कि ये बच्चा हमारी हरकात और सकनात को देख रहा होगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत है जी, जी हर चीज अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। कल क़यामत के दिन हमारे आज़ा में से हाथ पांव ये भी गवाही देंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने ऐन वक्त पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई कि वो बच्चे ने गवाही दी, और गवाही भी इस अंदाज से देखिएगा क्या कहा। इनकान कमीसुहु कुद्द मिन कुबूलिन फसदकत वहु मिन अल्काज़िबीन व इनकान कमीसुहु कुद्द मिन दुबरिन फकज़बत वहु मिन अस्सादिकीन فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّ مِنْ كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ। चुनाचे अब ये एक गवाही पर एक अलामत थी, गवाही नहीं थी, एक अलामत थी कि ये मामला वाज़े सच और झूठ का पता चल जाए बस इसमें। चुनाचे अब जब ये देखा कि कुर्ता, अब बात ऐसी थी कि भाई अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं और भागते हुए जुलेखा उनके पीछे भागी, तो यकीनन कुर्ता आगे से नहीं फट सकता, पीछे से फटेगा,
और अगर जुलेखा भाग रही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम पकड़ने लगे हैं और जुलेखा अगर पकड़ती भी है तो आगे से दामन को पकड़ेगी। चुनाचे जब देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है मतलब कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। चुनाचे उस वक्त अजीज मिस्र ने कहा इनकाल इन्नहु मिन कैदिकुन, अपनी बेगम से कहा कि ये तुम्हारे मकर में से है। बात समझ में आ गई, ये तुम्हारे मकर में से है। इस पर मुफस्सरीन ने लिखा है कि यकीनन अजीज मिस्र में हया कम थी कि बस सिर्फ थोड़ी सी सरजनिश पर बात को खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई जी, वरना होना तो यह चाहिए था कि मुकम्मल तौर पर उसको सजा देता, लेकिन सिर्फ इसी पर बस की। जिस पर मुफस्सिर ने लिखा है कि यकीनन उसमें हया और गैरत का मादा कम था जिसकी वजह से उसने मजीद सजा नहीं दी। बात समझ में आ गई जी। तो कहते हैं इन नकीदकुन नाज़ीम, अगली बात ये बतलाई कि तुम्हारा मकर जो है वो सख्त होता है। अब इस बात को जरा तवज्जो से समझिएगा, बसा औकात हम बाज चीजों में वहम में पढ़कर न समझी में हम परेशान होते हैं। इधर देखिए जी, तवज्जो कीजिएगा, अब ये कोई ऐब या ताना जनी नहीं है औरतों पर, ताना जनी नहीं है अल्लाह की तरफ से, बल्कि एक फितरत को बयान करना है कि फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने ख्वातीन में ये मादा रखा है। क्या मादा है कि चूंकि जाहिरी तौर पर ख्वातीन ज़ाइफ होती हैं, यानी जिसे मैं आपको एक मिसाल सर्च कर देता हूँ कि जैसे मुंह बना लिया आंसू निकल आए, अब इससे पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी हो तो उसका दिल नरम हो जाता है, तो वो क्या कर लेता है, बात पर जल्दी यकीन कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये जो कमी है औरतों में, इस कमी को कोशिश किया जाए कि इसको इस्तेमाल में लाकर किसी के साथ बुरा सलूक करने की कोशिश ना की जाए। बात सिर्फ इतनी सी, उम्मीद है मेरी बात को समझ रही होंगी। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं कि ये चीज अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर एक कमजोरी रखी है, लेकिन इस कमजोरी का गलत इस्तेमाल ना किया जाए तो तब इंशाल्लाह महफूज ही महफूज है। अगर गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका वो यकीनन आपकी इस कमजोरी की वजह से दूसरा गलती में फंस जाएगा, तो नतीजा ये होगा कि उसके सजा आपको भुगतनी पड़ेगी कल क़यामत के दिन। बात समझ में आ गई जी, इसलिए इससे परेशान ना हुआ जाए, लेकिन इसमें एहतियात बरती जाए, हर मामले में कोशिश की जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत मामले पर रो रही हूं या गलत मामले पर अपने आप को जो है मजलूम साबित कर रही हूं, इससे बचने की कोशिश की जाए। इसलिए कि इन्ना कैदकुन अज़ीम, क्योंकि बज़ाहिर जो देखने वाला है उसको यकीन आ जाएगा और वो गलत यकीन आप ही की वजह से आ रहा है, इसलिए कल ऐसा ना हो कि आप जो है ना कहीं अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ का जरिया बन जाए। बात समझ में आ गई जी। तो इन्ना कैदकुन नाज़ीम, यूसुफ आरिदन हाज़ा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस अजीज मिस्र ने कहा कि इस मामले को छोड़ दो,
जब हो गया ना उसको छोड़ दो, अब इसका तस्किरा ना करो। लेकिन भाई बात यह है कि ऐसा वाकया और वो फैले ना, और अपनी बेगम से कहा कि जी वस्तग़फिरी लिज़म्बिक, तू अपने गुनाह को बख्शवा, इन्नकी कुंत मिनल खातीन, तू ही गलती पर है। इसके दो माना मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। एक माना तो ये है कि यानी उससे कहना ये चाह रहे हैं कि भाई तू अपने गलती की जो है माफी मांग मुझसे कि तूने इतनी बड़ी गलती की है, तू मेरी बीवी है। दूसरा मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांग। बात समझ में आ गई जी? जी आगे देखिए। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي, कहने लगी औरतें उस शहर में, امرأة العزيز अजीज की बीवी, تراود فتاها عن نفسي, ख्वाहिश करती अपने गुलाम से अपने जी उसके जी को, قد شغفها حبا, फरेफ्ता हो गया है उसका दिल उसकी मोहब्बत में, ना लनराह फी ज़लालिल मुबीन, हम तो देखते हैं उसको वाज़े गलती पर, फलम्मा समियत बिमकरहिन्ना, जब उसने ज़ुलैखा ने उनके मकर को सुना, अरसलत इलैहिन्ना, उनकी तरफ पैगाम भिजवा, उनको बुलवाया, पैगाम बुलवा भेजा उनको, वआतदत लहुन्न मुत्तकअन, और तैयार की उनके वास्ते एक मजलिस, वआतत कुल्ला वाहिदत मिनहुम सकीनन, और दी उनमें से हर एक के हाथ में छुरी, मुकालत खुर्ज अलैहिन, और बोली यूसुफ निकल आए इनके सामने, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदीहुम, पर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा, अकबरनहु, हैरान रह गई, वक़त्तअना अयदीहुम, और काट डाली अपने हाथ, वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, और कहने लगी नहीं ये शख्स आदमी, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता है बुजुर्ग। फरमाते हैं अब ये वाकया बावजूद इसके के जो है छुपाना चाहिए था, लेकिन ये मामला फैल गया। अब जब मामला फैला तो जो वजीरों की बीवियां थी यानी बड़े लोगों की बीवियां थी, वो अजीज मिस्र की जो ज़ुलैखा थी उनको ताना देना शुरू कर दिया, कहने लगी कि कितने अफसोस की बात है कि अजीज मिस्र की बीवी है, इतने बड़े अहदे पर उसके शोहर है, और एक गुलाम पर फरिश्ता होगी। जी बात समझ में आ रही है जी? अब यहाँ पे तवज्जो से समझिएगा, एक बात जहन में आई, वर्ज कर देता हूँ कि आली नसब होना भी अल्लाह पाक का इनाम है, फख्र गुरूर का जरिया नहीं, आली नसब होना भी अल्लाह पाक का इनाम है। क्यों? इसलिए कि बहुत सी गलत बातों से, बेहयाई की बातों से बसा औकात इंसान इस वजह से भी बच जाता है कि उसका ख़ानदान अजीम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ख़ानदान की इज्जत पे हरफ डाल दे। लेकिन इसमें एतदाल ये है कि ये मियार फजीलत नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से वो आला है। मसलन सादात में से होना, अब यह आली नसब होना ये अल्लाह का इनाम है, क्योंकि यकीनन वह बेहयाई के काम को करते वक्त एक दफ़ा ये सोचेगा कि मेरा नसब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर मिलता है, हज़रत अली करम अल्लाह वजहू से जाकर मिलता है, यानी खूनी रिश्ता भी उनसे जाकर मिलता है, तो ये उस पर एक अल्लाह का इनाम होगा कि इस आली नसब होने की वजह से वो उसको ये आली नसब होना ये जो है ना गुनाह से माने होगा। लेकिन सिर्फ इसको मेयारी फजीलत बना लिया जाए तो ये भी दानिशमंदी नहीं।
इसलिए कि इस्लाम ने मेयार फजीलत हकीकत में तकवा रखा है। उसकी वजह क्या होती है खानदान से आली होने, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिस माहौल में इंसान परवरिश पाता है उस माहौल के भी कुछ ना कुछ असरात होते हैं। अब मसलन एक शख्स जो है जो उनके यहाँ पैदा हुआ जिनकी जिंदगी ही मांगने पर मांगने के साथ गुजारा करने पर मुनासिब थी, तो वो चूंकि बचपन ही से माँ बाप को मांगते देखा और फिर माँ बाप ने उनको भी लगा दिया, तो उसको मांगने कोई आयब उस वाली बात नहीं होगी। लेकिन एक वो शख्स जिसने सारी जिंदगी खर्च करने में देखा है कि वालिदैन खर्च करते आए हैं, उसके लिए मांगना जो है एक बहुत बड़ी आयब की बात होगी। तो इसलिए आली नसब होना ये अल्लाह का इनाम है। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, ये अल्लाह का फजल है जिसे अल्लाह चाहते हैं अता करते हैं। लेकिन महज ये फजीलत, इसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह इसकी मिसाल देते हैं। हज़रत फरमाते कि देखें एक कोई बड़ा बंदा बड़े ओहदे पर है, मसलन जिसे कहते हैं कि एक मिसाल ले लेते हैं कोई बंदा कर्नल है। अब कहते हैं अब एक उसका बेटा है और एक गरीब आदमी का बेटा है, उसने एक ओहदे की जगह खाली हुई उसके लिए तालीम शर्ती बीए एमए, एक मिसाल दे रहा हूं। अब अगर इंसाफ के लिहाज से देखा जाए तो अगर जो मेजर का बेटा है अगर वो उस एमए पास नहीं तो उसूलन गरीब आदमी का बेटा उस ओहदे पर पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं, मेजर के बेटे ने भी एमए की हुई है और गरीब आदमी के बेटे ने भी एमए की हुई है, तो अब कहते हैं अब ये वाला जो नसब आली नसब होना ये काम आएगा कि भाई जब दोनों बराबर हैं और मेजर, ये मेजर का बेटा भी है दूसरी फजीलत इसको ये हासिल है तो ये काम आ जाए। तो इसी तरह आली नसब होना एक दर्जे में फायदा मंद है, लेकिन हमारे यहाँ मेयार फजीलत जो है वो तकवा है। अगर मुत्तकी है कि वो किसी भी नसब से है, लेकिन मुत्तकी और परहेजगार है। हुजूर अली सलाम ने फरमाया कुल्लु तकीन नकीन फहुवा आली, हर मुत्तकी और परहेजगार वो मेरी आल में से है। अब कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है। हुजूर अली सलाम ने कितना बड़ा इनाम दे दिया कि भाई जो मुत्तकी और परहेजगार होगा वो खा किसी भी नसब से हो वो मेरी आल में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बेटे ने, नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए दुआ की थी ना कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहली इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है क्योंकि इसके अमल ठीक नहीं। तो जहन में रखिएगा कि आले नसब होना भी अल्लाह का इनाम है, लेकिन हमारे यहाँ मेयार फजीलत जो है वो तकवा है। तो बहरहाल अजीज़ मिस्र व जुलेखा को खवातीन ने जो उसकी सहेलियां थी उसने ताना दिया कि इतनी बड़ी होकर एक नौजवान पर फरिश्ता हो गई, तो इसका मतलब है कि तू तो बहुत ही गुमराही पर है। यानी एक गुलाम को शोहर के दर्जे देने लगी, बात समझ में आ गई जी। तो बहरहाल तो यहाँ तक ही हो गया इंशाल्लाह, बाकी फिर कल आयात मुबारक में इंशाल्लाह कल इसका जिक्र करेंगे। चलिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।